यस हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल अब आते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये है एन एथलीट कम्पलीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड ये कह रहा है एक सर्कुलर ट्रैक है और एक एथलीट इसको कंप्लीट राउंड कवर कर रहा है 200 मीटर जिसका डायमीटर है टू मीटर इस सर्कुलर ट्रैक का तो रेडियस कितना हो जाएगा यहां पर हंड्रेड मीटर और पूरा राउंड मान लो ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है तो पूरा राउंड कंप्लीट करने में टाइम लगा रहा है फोर्टी सेकेंड हमें क्या कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एट द एंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द एंड ऑफ टू मिनट ट्वेंटी सेकेंड सो ये जो टाइम दिया हुआ है यहां पर टू मिनट ट्वेंटी सेकेंड ये एक्चुअली में कितने सेकेंड होते हैं वन फोर्टी सेकेंड तो हमें कैलकुलेट करना है वन फोर्टी सेकेंड के बाद डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी तो so, सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है हम पहले नंबर ऑफ राउंड्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक राउंड तो फोर्टी सेकंड में लगा रहा है तो फोर्टी सेकेंड्स में कितने राउंड कंप्लीट करेगा तो हम यहां पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स कवर्ड बाय एथलीट टोटल कितने राउंड्स कंप्लीट कर रहा है? तो टोटल टाइम कितना है 140 फोर्टी सेकेंड और एक राउंड का टाइम कितना है फोर्टी सेकेंड सेवन बाय टू राउंड्स और दैट इज थ्री पॉइंट फाइव यानी थ्री एंड हाफ राउंड्स कंप्लीट कर रहा है और थ्री एंड हाफ राउंड कंप्लीट करने के बाद कहां पर होगा उसे देख लेते हैं लेट से ये यहां पर ए से स्टार्ट हुआ तो एक राउंड कंप्लीट फिर सेकेंड राउंड फिर थर्ड राउंड और कहां पर आ गया इस पॉइंट पे आ जाएगा तो आफ्टर कंप्लीटिंग थ्री एंड हाफ राउंड फार्मर की फाइनल पोजीशन हो जाएगी बी अगर ये इसकी इनिशियल पॉइंट है तो आफ्टर कवरिंग थ्री एंड हाफ राउंड जो फाइनल पोजीशन आ जाएगी वो कौन सा पॉइंट आएगा बी पॉइंट आएगा ठीक है अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं इसको दोबारा बनाते हैं इसका डायग्राम फार्मर ने यहां से स्टार्ट हुआ और थ्री एंड हाफ के बाद यहां पॉइंट पे आ गया और ये दिया हुआ है यहां पर रेडियस हंड्रेड मीटर तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो उसमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट को देखना होता है और फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट कौन सा है ए पॉइंट और फाइनल पॉइंट है बी पॉइंट तो ए से बी तक क्या हो जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेट हो जाएगा ऐसे ये पूरा हो जाएगा यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ए बी ये भी 100 मीटर है ये पूरा डायमीटर 200 मीटर था तो आंसर आ गया 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट विल बी 200 मीटर बिकॉज फाइनल पॉइंट कौन सा है बी पॉइंट है बट अब प्रॉब्लम आएगी डिस्टेंस निकालने में सर्कल में जब भी डिस्टेंस निकालना होता है उसका एक फॉर्मूला होता है डेट इज सर्कम और वो होता है टू पाईआर हम यहां पर कैसे करेंगे नंबर ऑफ राउंड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे सर्कम से कितने राउंड्स हैं यहां पर थ्री एंड हाफ राउंड्स हैं इन सारे राउंड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जो टोटल डिस्टेंस होता है सर्कल में यानी सर्कम्फ्रेंस टू पाई आर थ्री एंड हाफ को कैसे लिख सकते हैं सेवन बाय टू इन टू में टू इन टू में ट्वेंटी टू बाई सेवन और रेडियस कितना है हंड्रेड कुछ कैंसिल होता है तो कट कर देते हैं सो हमारा आंसर आ गया ट्वेंटी टू हंड्रेड मीटर सो डिस्टेंस कवर्ड हुआ ट्वेंटी टू हंड्रेड मीटर और डिस्प्लेसमेंट हुई टू हंड्रेड मीटर ठीक है आई होप ये क्वेश्चन आपको इजिली समझ आ गया होगा और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू